हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण क्विज के पार्ट 12 में। इस वीडियो में रामायण से जुड़े 7 सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, जिनका कि आपको आंसर देना है। और अगर आपके रामायण क्विज के बाकी के पार्ट्स मिस हो गए हैं, तो इनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो से। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने अपनी प्राथमिक शिक्षा इनमें से किस ऋषि के आश्रम में प्राप्त करी थी? आपके ऑप्शन हैं वशिष्ठ जी, वाल्मीकि जी, विश्वामित्र जी या फिर भारद्वाज जी। और इसका सही आंसर है वशिष्ठ जी। दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को ऋषि वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा लेने के लिए भेजा था। ऋषि वशिष्ठ श्री राम के गुरु हैं। जनक पुत्री सीता जी के स्वयंवर में जाते समय श्री राम ने इनमें से किसे श्राप मुक्त किया था? आपके ऑप्शन हैं अनुसूया देवी, अहिल्या देवी, गौतम ऋषि या फिर शबरी। और इसका सही आंसर है देवी अहिल्या। देवी अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। देवी अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से वह एक पत्थर का रूप ले लेती है। श्री राम जब विश्वामित्र जी के साथ सीता जी के स्वयंवर में जा रहे थे, तब उन्होंने अपना पैर उस पत्थर पर रखकर देवी अहिल्या को श्राप मुक्त किया। इनमें से किसकी वजह से गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या देवी को श्राप दिया था? आपके ऑप्शन हैं इंद्रदेव, विश्वामित्र जी, रावण या फिर मेघनाथ। और इसका सही आंसर है इंद्रदेव। इंद्रदेव ने छल से गौतम ऋषि का रूप ले लिया था और देवी अहिल्या के पास गए थे। इस वजह से गौतम ऋषि ने इंद्रदेव और देवी अहिल्या को श्राप दिया था। इनमें से किस स्थान पर श्रीराम और भरत का मिलन यानी कि भरत मिलाप हुआ था? आपके ऑप्शन हैं पंचवटी, अयोध्या, चित्रकूट या फिर ऋषि मुख पर्वत। और इसका सही आंसर है चित्रकूट। भरत मिलाप चित्रकूट में हुआ था। रामायण में उस पात्र का क्या नाम है जिसका पैर लंका में कोई भी नहीं उठा पाया था? आपके ऑप्शन हैं हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव या फिर लक्ष्मण। और इसका सही आंसर है अंगद। श्री राम ने युद्ध से पहले अंगद को अपना शांति दूत बनाकर लंका भेजा था। अंगद ने रावण को चेतावनी दी कि वह माता सीता को श्री राम को लौटा दे, जिससे कि यह युद्ध नहीं हो, किंतु रावण नहीं माना। फिर अंगद ने श्री राम के बल का प्रदर्शन करने के लिए अपना पैर रावण की सभा में जमा दिया। रावण की सभा में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो अंगद के पैर को हिला सका। अपने आखिरी युद्ध से पहले मेघनाथ ने इनमें से किस जगह पर जाकर दिव्य रथ के लिए यज्ञ किया था? आपके ऑप्शन हैं निकुंभला मंदिर, कैलाश पर्वत, अशोक वाटिका या फिर दंडकारण्य जंगल। और इसका सही आंसर है निकुंभला देवी मंदिर। मेघनाथ ने अपने आखिरी युद्ध से पहले निकुंभला देवी मंदिर में दिव्य रथ के लिए यज्ञ किया था। यह रथ ऐसा था कि अगर इस पर चढ़कर मेघनाथ युद्ध करता तो उसे कोई भी नहीं मार पाता। इनमें से किसने इंद्रजीत को निकुंभला देवी मंदिर पर यज्ञ करने से रोका था? आपके ऑप्शन हैं सुग्रीव, जाम्बवन, लक्ष्मण या फिर हनुमान जी। और इसका सही आंसर है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का यज्ञ रोका था, जिसकी वजह से उसे दिव्य रथ की प्राप्ति नहीं हुई थी।
माता सीता का अपहरण होने से पहले कितने साल तक श्री राम और माता सीता एक साथ रहे थे? आपके ऑप्शन है 1 साल, 7 साल, 11 साल या फिर 13 साल। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज कमेंट में लिखना, और अगर आपके रामायण क्विज के बाकी के पार्ट्स मिस हो गए हैं तो उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और आप इस चैनल पर जाकर के मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें।